हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं रुपेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ क्लास नाइन्थ प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आपको बताने कि इंडियन इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर का ज़रूरत होता है तो वो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर क्यों क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर का जरूरत पड़ता है दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग टूरिज्म फॉरेस्ट्री या कम्युनिकेशन वो कौन से आ, कौन सा ऑप्शन है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है वो है फॉरेस्ट्री दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर आपको बताने कि ये जो चारों ऑप्शन हैं फिशिंग ट्रेड माइनिंग या फिर हेल्थ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है वो है हेल्थ दैट हैीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर आप बताइए कि सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल इन चारों ऑप्शन में से कौन है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है तो वो एक्टिविटी जिससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं तो आप बताइए कि ये जो चारों ऑप्शन है वो उनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो, है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है अ टीचर टीचिंग इज सन रेसिटेशन अमंग फ्रेंड्स टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम या फिर ऑल ऑफ द आपको आप बताइए क्या टीचर अपने बच्चे को ही पढ़ा के वो पैसा अर्न कर सकता है नहीं कर सकता कैसे कर सकता है बाय टीचिंग इन द क्लास रूम दैट मीन्स द राइट आंसर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो नन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क यानी कि जो मदर है वो अपना घर का काम काज करती है उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता इसीलिए हम लोग उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं रखते उसको हम लोग किसका एग्जाम्पल मानते हैं तो उसको हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं नन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर या फिर ऑल ऑफ थ्री तो इन तीनों के द्वारा हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग टू थाउजेंड टेन इलेवन वाच यानी कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 2010-11 के टाइम कितना था तो वो था 74 फोर परसेंट दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फेसिज द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर जो है जहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको हम लोग आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर वन ईयर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज इन आई एम आर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सिग्निफाइज व्हाट डज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सिग्निफाइज तो इट सिग्निफाइज इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया एज पर देंसस ऑफ 2000 तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया एज पर देंसस ऑफ 2000 थाउजेंड इज सिक्सटी फोर इयर्स दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वर्चुअल साइकिल बाय द पेरेंट्स तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है उसका एम क्या है तो उसका एम है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स यानी कि छः से चौदह साल के बच्चों को एजुकेशन देना ही सर्व शिक्षा अभियान का मकसद है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पीएचसी यानी कि पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पीएचसी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर दैट मींस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड वन सेंसेस यानी कि टू थाउजेंड वन सेंसेस के अनुसार इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है तो वो है नाइन थर्टी थ्री फीमेल्स पर थाउजेंड दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन कैन नॉट फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस कॉल्ड यानी कि यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को साल में किसी एक दो महीने या तीन महीने अगर काम नहीं मिलता है तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी भी एक सीजन के दौरान उसको जॉब नहीं मिल पाता जिसके कारण उसका अर्निंग नहीं हो पाता दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है द पर्सन हु आर नॉट वर्किंग बाय देयर ऑन विलिंग इज कवर्ड अंडर तो आंसर होगा नन ऑफ द एब दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड ज़्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है तो वो पाया जाता है इन रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि खेती किसी एक पार्टिकुलर सीजन में ही होता है और खेती करने के बाद लोग बेरोज़गार होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन यानी कि किसी भी देश का जो पॉपुलेशन का क्वालिटी है वो किस फैक्टर uh, पे डिपेंड करता है तो वो है लिटरेसी रेट हेल्थ स्किल यानी कि द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर इन द वर्ल्ड यानी कि इंडिया का रैंक साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर में इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में कितना है तो वो है थर्ड दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन लॉन्गविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ सो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज लिटरेसी रेट लो इन द फीमेल्स यानी कि फीमेल का जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कम क्यों है एज कंपेयर टू मेल्स वाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन ऑपरचुनिटीज यानी कि इंडिया में जो है वो फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सो द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इज लोअर दैन दैट ऑफ मेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्गगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स वेन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ फार्म इज मोर देन रिक्वायर्ड दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि अगर किसी जगह पर जरूरत से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर को एक और किस नाम से जाना जाता है तो वो है सर्विस सेक्टर दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर रूरल वुमन इम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स मीन्स रूरल एरिया के जो वुमन्स हैं उनको अपने काम के बदले लो वेज क्यों मिलता है कम पैसा क्यों मिलता है तो बिकॉज ऑफ लैक इन एजुकेशन और नेसेसरी स्किल यानी कि जो रूरल एरियाज के जो वुमन्स होते हैं उनके पास ना ही तो एजुकेशन होता है ना ही उनके पास स्किल होता है इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कम पैसे में ही काम करना पड़ता है दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइब टेकिंग इज एन यानी कि घूस लेना क्या है इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केटिंग एक्टिविटी नन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर नन ऑफ द एब जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं जहां से हमको कोई भी इनकम प्राप्त होता है तो घूस से भी तो इनकम प्राप्त होता है बट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो उनको हम क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे नन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवार्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टी ईयर्स यानी कि सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा अभियान चलाया गया है जो छः से लेकर चौदह साल के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है तो वो जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो है सर्वशिक्षा अभियान जो कि छः से चौदह साल के बच्चों को पढ़ने के लिए चलाया गया है दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 यानी कि 2011 के आंकड़े के अनुसार इंडिया का जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है वो कौन सा है तो दैट इज केरला सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज बर्डन फॉर एन इकोनॉमी बट दे कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल इफ़ देर एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ यानी कि बोल रहा है कि किसी भी देश के लिए जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेशन है वो उनके लिए बोझ माना जाता है बट अगर उनको सही दिशा में अगर यूज किया जाए उन पर कौन सा ऐसा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आए तो वो है ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द स्कीम फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन टू टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम रूरल एरिया इज आपको बताना है कि वो सरकार का वो स्कीम जहाँ पर रूरल एरियाज के बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा रेजिडेंशियल स्कूल का स्थापना किया गया है तो वो है ऑप्शन नंबर बी नवोदय विद्यालय दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सो so, आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ